आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली न्यूज। अज्ञात हमलावरों द्वारा सिंचाई विभाग के चालक को मारी गोली, गोली मारकर अज्ञात बदमाश हुए फरार, चालक की घटनास्थल पर ही मौत, चौकी से कुछ कदम दूरी पर की घटना। थाना कोतवाली शहर क्षेत्रांगत रमई पट्टी मोहल्ले में रात्रि लगभग 10 बजे मूलचंद पाल पुत्र जगन्नाथ पाल निवासी कैलाशपुरी कॉलोनी थाना को शहर मिर्जापुर मूल निवासी ग्राम पहती लाहौरा थाना पड़री मिर्जापुर उम्र करीब 56 वर्ष को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शहर द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मूलचंद को इलाज हेतु जनपदीय चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक सिंचाई विभाग में चालक के पद पर नियुक्त था। लोगों द्वारा घटना का कारण ठेकेदारी का विवाद बताया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा व क्षेत्र अधिकारी नगर प्रभात कुमार राय के साथ किया गया तथा डॉग स्क्वाड एवं फील्ड यूनिट सर्विस लॉस और स्क्वाड टीम को आवश्यक निर्देश देकर अभियुक्तों के संबंध में जानकारी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता वजी रिजवी मिर्जापुर। सरेआम हत्या होती है लॉकडाउन में, सड़क पे है, क्या वजह थी सर, चूक कहाँ हो गई? ये शहर में रमई पट्टी बाजार में आज लगभग 9:30 बजे एक व्यक्ति की गोली मार दी और उसको अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में लाकर लाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसका नाम हम लोग जानकारी में आया है, उसका नाम मूलचंद पाल है और वो सिंचाई विभाग में ड्राइवर पद पर कार्यरत है। सर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो बाइक से थे, कुछ लोकेशन हो पाया क्या, नाकेबंदी की गई अभी तक या कुछ प्रयास अभी तक कुछ सफल हुई है? चेकिंग के लिए बता दिया गया है और घटना के पर्दाफाश के लिए टीम भी लगा दी गई है। जो आप बता रहे हैं सीसीटीवी, इन सबका परीक्षण करके हम जल्दी घटना का पर्दाफाश करेंगे। सर चौकी के पास है कार्रवाई, अब तक क्या कोई कार्रवाई करेंगे? चौकी के पास हत्या होना ये बड़ी बात है, क्या कार्रवाई होगी? हर चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद जैसा होगा कार्रवाई।